We've got breaking news coming in. Union Minister Satya Singh has come out and demanded a reservation for the Jaat community. Now, Satya Singh has said that the Jaat community is backward and needs reservation while backing the center's quota bill. Now, he also said that the Jaat community will nevertheless also benefit from the recent 10% reservation granted to the poor. Remember, Jaat community comes under OBCs in UP and six other states. They have been demanding the inclusion into the OBC list of central services. Listen in, Union Minister Satya Singh. जहाँ तक जाट आरक्षण का विषय है, उसके बारे में लोगों की ये इच्छा है कि जो जाट समकक्ष दूसरी किसान जातियाँ हैं, दूसरी बिरादरी हैं, उनको आरक्षण अगर मिला है और जाट अगर पीछे पहुंच गई, बिरादरी एज ए बिरादरी अगर पिछड़ गई है, तो उनके भी एक जायज़ मांग है। उनकी मांग को पर जो है सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। आज ये बात ज़रूर है कि जो 10% जो रिजर्वेशन हुआ है, उससे किसानों को, उससे जाटों को भी उसमें जो है फ़ायदा मिलेगा। चाहे जो दूसरे समाज के लोग, चाहे कोई जाट हो, कोई ठाकुर हो, बनिया हो, सब ब्राह्मण हो, चाहे कोई दूसरे, चाहे मुस्लिम हो, सब लोगों को उससे उसका फ़ायदा मिलने वाला है। जिस तरीके से प्रचार की बात की है, इससे भाजपा को फर्क पड़ने वाला है कि? देखिए, ये तो लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है, लेकिन इस बात को मैं कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे जो हरियाणा हो, ज़्यादातर अधिसंघ के जाट समुदाय और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इस देश के जो माननीय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में उनको पूरी आस्था है।